ये देखिए मैंने ये पेपर लायन क्राफ्ट बनाया है, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। आपको भी ये अच्छा लगा होगा और आप भी बनाना सीखना चाहते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हमें चाहिए व्हाइट बैकग्राउंड, लाइन पेपर, येलो पेपर, ब्लैक पॉइंटर, सीजर, कंपास, पेंसिल एंड गम। चले अब बनाना शुरू करते हैं। पहले मैं येलो पेपर लूंगी और उसे ड्रॉ करके कट करूंगी। पहले मैं उसे ड्रॉ करूंगी। ये मैंने ड्रॉ कर लिया है, अब मैं इसे कट करूंगी। येलो पेपर सर्कल कट कर लिया है, अब हम ऑरेंज सर्कल कट करेंगे। और लेकिन उसका साइज थोड़ा छोटा रखेंगे। ऑरेंज पेपर मैंने कट कर लिया है, अब मैं ऑरेंज को कम लगाकर येलो के ऊपर पेस्ट करूंगी। ये देखो मैंने ये पेस्ट कर लिया है ऑरेंज सर्कल। अब हम येलो सर्कल पर थोड़ा डिजाइन बनाएंगे, स्ट्रिप कट करेंगे। मैं इस पे निशान लगा रही हूँ। निशान मैंने लगा लिए है, अब मैंने थोड़ा थोड़ा कट करूंगी। देखिए लास्ट वाला कट कर रही हूँ, निशान मैंने कट कर लिया है। अब मैं लाइन के फीचर्स लगाऊंगी। पहले मैं आईज रेड करूंगी, उसके लिए मैंने ये टू ब्लैक छोटे सर्कल कट किए हैं, टू व्हाइट पर सर्कल कट किए हैं। अब मैं ब्लैक को व्हाइट के ऊपर पेस्ट करूंगी। पहले हम उस पर गम लगाएंगे। ये आज मैं रेड कर लिया है, मैं इन्हें पेस्ट करूंगी। ये मैं नोज पेस्ट करूंगी। अब मैं इसकी मोस्टैश रेडी करूंगी। मस्टैश मैंने इसकी बना ली है, अब मैं इसके ईयर बनाऊंगी। अब मैं ईयर रेडी करूंगी। उसके लिए हमने ये दो ब्राउन बड़े सर्कल कट किए हैं, दो पिंक छोटे सर्कल कट किए हैं। अब मैं पिंक को गम लगाकर ब्राउन के ऊपर पेस्ट कर दूंगी। ये हमारे ये पेस्ट हो गया है। ये देखिए हमारे लाइन का क्यूट सा फेस रेडी हो गया है। अब हम बाकी की बॉडी रेडी करते हैं। उसके लिए हमने ये ट्रायंगल ऑरेंज शेप बना ली है और एक छोटी येलो छोटी शेप ली है। अब हम इन्हें गम लगाकर पेस्ट कर देंगे। येलो को गम लगाऊंगी। ये देखिए हमने ये रेडी कर लिया है, लेकिन हम अपनी व्हाइट बैकग्राउंड पे इसे पहले पेस्ट करेंगे।
ये मैंने फिक्स कर लिया है। अब मैं लेवेंडर तेल लगाऊंगी। तेल मैंने कुछ इस तरह से कट की है, उसके ऊपर मैं ये वाला साइकिल लगा दूंगी। अब ओवल शेप पे लग रहा है। ये मैंने तेल पेस्ट कर लिए है, अब हम फेस पेस्ट करेंगे। उससे पहले हम एक ऑरेंज चिप को ट्विस्ट करेंगे। ये देखिए मैंने ट्विस्ट कर रही हूँ। अब दूसरी भी ऐसे हेड पेस्ट करने के लिए मैंने ये निकाली है। अब मैं इस स्ट्रिप की ट्विस्ट वाली जगह पर हम लाइन का फेस पेस्ट कर देंगे। ये मैंने फेस पेस्ट कर लिया है। अब हम फीट रेडी करेंगे। फीट लगाने से पहले ऐसे हम दो स्ट्रिप को ट्विस्ट करेंगे। वैसे ही जैसे हमने लाइन के नीचे वाले हेड के नीचे वाले हिस्से को पेस्ट किया था, वैसे ही हम करेंगे। एक साइड पर कम लगाकर दूसरी साइड को ट्विस्ट कर लेंगे। ये देखिए मैंने ये इस स्ट्रिप को ट्विस्ट करके यहाँ पेस्ट कर दिया है। ये मैंने लाइन के फिट रेडी किए हैं, जो कि मैं इसके ऊपर लगा दूंगी। ये देखिए मैंने ये फीट पे पेस्ट कर दिया है। इस तरह से हमारा ये लाइन रेडी हो गया है। कि कैसे लगा आपको? आई होप अच्छा लगा होगा। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाती रहती हूँ, तो प्लीज मेरे चैनल अभ्युदय चौक पर जाके इसे वॉच किया करें। इससे मुझे और हिम्मत मिलती है कि मैं आपके लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियोस लाऊं। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन भी दबाना ना भूलना। बाय बाय।